वहीं पीलीभीत से खबर है, जहां तहसील अमरिया क्षेत्र के ग्राम निसरा में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने इंडियन राइस मिल में ओवर स्टॉक की सूचना पर छापेमारी की। आपको बता दें कि राज्य मंत्री को छापेमारी के दौरान काफी अनियमितताएं भी मिली है, जिस पर मौके पर मौजूद सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार को राइस मिल को सीज करने के आदेश भी दिए गए हैं, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने इंडियन राइस मिल को सीज भी कर दिया है। तो एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देखिए पीलीभीत से आपको बता रहे हैं, इंडियन राइस मिल पर छापेमारी की गई है। राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने ये छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कई अनियमितताएं भी पाई गई है। इंडियन राइस मिल को किया गया है सीज, ये जानकारी मिल रही है। ओवरस्टॉक की शिकायत पर ये कार्रवाई की गई है। इंडियन राइस मिल पर ये छापेमारी, वो तस्वीर भी आप देखिए, यहाँ छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने ये छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान कई अनियमितताएं भी पाई गई है। इंडियन राइस मिल को सीज भी कर दिया गया है। ओवरस्टॉक की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। दरअसल ये शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पर ओवरस्टॉक किया जा रहा है, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि राज्य मंत्री ने सिटी मजिस्ट्रेट को इसके आदेश दिए। इंडियन राइस मिल है, तहसील पड़ता है, यहाँ पे माननीय मंत्री जी और संबंधित विभाग के सभी अधिकारी, डिप्टी RMO, SDM सदर, SDM अमरिया और AMO मंडी सचिव, सबके साथ जो है यहाँ पे जांच की गई, औचक निरीक्षण किया गया। इसमें ये पाया गया कि यहाँ पे काफ़ी मात्रा में जो है धान जो है बिना कर जमा किए हुए, मंडी शुल्क जमा किए हुए यहाँ रखा गया था। इसके अलावा धान जो क्रय केंद्रों से यहाँ भेजा जा रहा है, उसमें भी कुछ गड़बड़ी मिली है। इसके तहत जो है इसमें कार्रवाई की गई है और अभी कार्रवाई चल रही है आगे।